हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस के बारे में कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस में एमसीबी और एमसीसीबी क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। तो आइए जानते हैं, बने रहिए है हमारे साथ वीडियो में और पूरा अंत तक, और देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। एमसीबी जो होता है उसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और एमसीसीबी को बोलते हैं मोल्डेड केस करंट ब्रेकर। देखिए एमसीबी होता क्या है, एमसीबी एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिको मैकेनिकल डिवाइस है विच ए गार्ड ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यूरिंग द एनी अबनॉर्मल कंडीशन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। यानी ये एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है जो करंट सर्किट में अगर कोई भी अबनॉर्मल होता है, जैसे अगर ओवरलोड हो रहा है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है। यूज इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़। ये जो एमसीसीबी होता है ना, ये दोनों के लिए होता है, यानी इंडस्ट्रियल में भी हम यूज़ करते हैं और डोमेस्टिक घरों में भी, इसको ज़्यादातर घरों में इसका ही यूज किया जाता है। दूसरा, इसका जो पोल आता है ना, ये सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल और फोर पोल में भी एमसीबी आपका मिलता है। इसकी जो करंट रेटिंग होती है 0.5 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक होता है, विथ सिस्टमेटिक शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ 3 to 10 किलो एम्पियर एट ए वोल्टेज लेवल ऑफ 230 वोल्ट से लेके 440 वोल्टेज तक। ये इसका जो सिस्टमेटिक ट्रिपिंग होता है वो 0.5 एम्पियर से लेके 63 एम्पियर तक होता है। एज ए करंट जो मिलेगा इतना होगा, करंट आपको 3 किलो एम्पियर से लेके 10 किलो एम्पियर में एट ए वोल्टेज का जो रेटिंग होगा वो आपका 230 से 440 में। अब देखिए एमसीसीबी क्या है, एमसीसीबी सेम डिवाइस है, वो भी इलेक्ट्रिको मैकेनिकल डिवाइस ही है, बट ये हैवी लोड के लिए यूज होता है। तो ये क्या है कि आपका ये हैवी लोड के लिए होगा, करंट रेटिंग जो इसका होता है 63 से लेके 3000 एम्पियर तक का ये आता है। इन दोनों में जो मुख्य डिफरेंस है, देखिए एमसीबी जो है इट इज ए मिनिएचर करंट ब्रेकिंग, जबकि वो होता है मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। ये बड़ा यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वगैरह के लिए ही इसको यूज किया, जहाँ से कई सारे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में किया जाता है, पैनल बोर्ड के लिए इसका यूज किया जाता है। करंट रेटिंग जो है एमसीबी का वो आपके 125 एम्पियर तक मैक्सिमम होगा, जबकि वहीं अगर एमसीसीबी की बात करें तो इसकी जो करंट रेटिंग होगा ये अप टू 1600 एम्पियर, यानी 1600 एम्पियर से ये स्टार्ट होता है। जैसे देखा जाए तो 1600 एम्पियर से ही इसके करंट रेटिंग स्टार्ट होता है। दूसरा है, इट इज इंटरसेप्टिंग करंट रेटिंग इज अंडर 10 किलोवाट, यानी इसका जो इंटरसेप्टिंग करंट रेटिंग है ना एमसीबी का, वो 10 किलोवाट के नीचे तक का ही है, जबकि एमसीसीबी का जो रेटिंग करंट है वो 10 किलोवाट एम्पियर से लेके 85 किलो एम्पियर तक है। इन दोनों में जो ट्रिपिंग है, एमसीसीबी में जो ट्रिपिंग है उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ये फिक्स आता है। इसकी टाइम करंट रेटिंग जो है 0.5 से लेके 63 तक ये फिक्स रहता है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जबकि एमसीसीबी में क्या होता है, इसकी जो ट्रिपिंग है या जिसकी जो करंट है मे बी फिक्स एज वेल एज एडजस्टेबल फॉर ओवरलोड एंड मैग्नेटिक सेटिंग। मतलब इसको आप सेट कर सकते हो, इसकी जो ट्रिपिंग है ना, रेंज जो है करंट रेंज, उसको हम अपने हिसाब से अपने ज़रूरत के अनुसार हम उसको सेट कर सकते हैं। ये मुख्य दोनों में डिफरेंस होता है। एमसीसीबी जो है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ये 0.5 से लेकर 63 एम्पियर तक ही काम करता है, जबकि वहीं अगर एमसीसीबी की बात करें तो ये 1600 एम्पियर से स्टार्ट होता है। इसकी जो इंटरसेप्टिंग करंट रेटिंग होता है एमसीसीबी का, वो 10 किलो एम्पियर से लेके 85 किलो एम्पियर तक होता है, जबकि एमसीबी का मात्र 10 किलो एम्पियर तक ही होता है। तो ये मुख्य डिफरेंस रहा दोस्तों। एमसीबी के कई सारे प्रकार होते हैं, ये टोटल 5 प्रकार के होता है, वो हम आगे किसी वीडियो में आपको समझाएंगे कि एमसीबी की वर्किंग कंडीशन क्या है और इसके कौन से टाइप का यूज हमें घरों में करना चाहिए।